कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 9 दिन में 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 30 जून को कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए, जबकि 29 जून को श्रीनगर में 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। इससे पहले 23 और 25 जून को शोपिया में 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 22 जून को भी सोपोर में 1 आतंकी मारा गया। अमन के दुश्मनों पर घातक प्रहार, आतंकियों पर सेना का करारा वार, एक एक दहशतगर्द का होगा सफाया। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। जब से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक हुई है, तब से घाटी में आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। बौखलाए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की फिराक में हैं और एक के बाद एक हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सुरक्षा बल आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंक को जड़ से मिटाने की मुहिम में जुटे सुरक्षा बल एक एक आतंकी का चुन चुन कर हिसाब कर रहे हैं। घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों पर कितना भारी पड़ रहा है, अब जरा आंकड़ों से समझिए। कश्मीर में 9 दिन के अंदर 9 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 30 जून 2021 को कुलगाम में 3 आतंकवादी मारे गए। 29 जून 2021 को श्रीनगर में 2 आतंकवादी मारे गए। 25 जून 2021 को शोपियान में 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया। 23 जून 2021 को शोपियान के श्रीमल में 1 आतंकी ढेर किया गया। 22 जून 2021 को सोपोर में 1 आतंकी मारा गया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बीते 3 दिन में 2 बड़े ऑपरेशन हुए। श्रीनगर के बाहरी इलाके में 28 जून को सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए, जिनमें एक लश्कर कमांडर नदीम अबरार भी था। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। कश्मीर पुलिस के मुताबिक लवायपोरा आतंकी हमले में नदीम अबरार शामिल था। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे, उसमें नाम आया था अपराध का है, नाम आया था जो नारगोल का है, नदीम अपराध पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का, खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया। इस बीच दक्षिण कश्मीर के शोपियान में 25 जून को एक आतंकवादी ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर कर दिया, जबकि एक आतंकी एनकाउंटर में मारा गया। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के थे। आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी के पास से एक AK-56 राइफल भी बरामद हुई। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और इसी के तहत आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। बुधवार को कुलगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन जैसे ही सर्च टीम ने संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जहां 3 दिन पहले जम्मू में जो ड्रोन हमला हुआ एयरफोर्स स्टेशन में, उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। घाटी में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और ड्रोन टेरर से मुकाबले के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सेना ने यह ठान लिया है कि कश्मीर में अब आतंक का गेम ओवर होके रहेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर के बाद सेना से का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूंछ नेशनल हाईवे के जांच लगातार चल रही है। आतंकियों को घर घर जाकर ढूंढा जा रहा है, कहीं कोई आतंकी किसी घर में तो नहीं छिपा, उसकी तलाशी की जा रही। ये तस्वीरें अब जो हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में चल रहे उसी सर्च ऑपरेशन की है, जहाँ आतंकियों को उनके बिलों से बाहर निकालने के लिए सेना के जवान एक एक घर तक दस्तक दे रहे हैं। दरअसल ड्रोन हमले के बाद सेना के जवान मुस्तैद है।
जे आए हैं अंदर, इन्होंने नाम नंबर लिया अपना, फोन नंबर लिया, वो चेकिंग कर रहे हैं भाई एयरपोर्ट के अंदर अटैक हुआ है ड्रोन के साथ, और पूछताछ कर रहे हैं भाई अच्छी काम कर रहे हैं ये, तो करना चाहिए सर, ये बहुत खतरा हमारे पे एयरपोर्ट के साथ कर रहे हैं, ये बहुत खतरा है इधर, ये करना चाहिए हमें, कितने किराएदार हैं इधर लोगों के रखे हुए, ये सबके पूछना चाहिए। और इसी खबर पर जम्मू से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है सेना का, 9 दिनों में 9 आतंकियों को ढेर किया गया, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस जो है कश्मीर घाटी में बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी सूचना मिलती है वहां तुरंत जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, और वहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में जो है मिलिटेंट के साथ मुठभेड़ में सफलताएं भी मिल रही है। हमने देखा कि जून के महीने से आखिर 15 जून से लेकर अब तक अगर हम देखें तो करीबन 9 मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है। लेकिन 2 मेजर ऑपरेशन जो है पिछले 2 दिनों में जो हुए हैं वो कुलगाम और श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर में सबसे बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो अबरार था, नदीम अबरार, वो लश्कर का एक टॉप कमांडर था और काफी सालों से सक्रिय था, और उसका संगी जो था वो मुस्लिम भाई जो पाकिस्तानी मूली का मिलिटेंट था, ये दोनों जोड़ी तो लगातार जो श्रीनगर बारामूला हाईवे है उस पर पुलिस के मुताबिक इनके हमले होते थे, और कई हमले जो है वहां पर देखे गए। सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर हमला हुआ, कुछ ग्रेनेड हमले हुए, एचएमटी के पास एक एनकाउंटर के बाद फिर एक हमला हुआ, हैदरपुरा में एक ग्रेनेड हुआ, और इन सब हमलों में इनका ही नाम सामने आता था। लेकिन श्रीनगर के बाहरी इलाके में 29 तारीख को इन दोनों को जो है मार गिराने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है, और कुलगाम में जहां 3 मिलिटेंट बीती रात जो है मारे गए हैं, ये भी एक बड़ी सफलता थी क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट्स थे और इस इलाके में काफी सालों से सक्रिय थे। हालांकि ये स्थानीय थे इसलिए इनको पहले सरेंडर के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने उनसे इनकार किया और फायरिंग की सर्चिंग पार्टी पे। कुल मिलाकर अगर देखें तो ओवरऑल जब से ड्रोन हमले जम्मू में हुए हैं तब से स्ट्रेटेजिक तौर पर कश्मीर घाटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, खासकर जितने भी जो वाइटल जी आपसे ये चीज और समझना चाहेंगे कि हम अभी देख रहे हैं एक रिपोर्ट में कि घर घर जाकर तलाशी अभियान हो रहा है, परिवार में कितने लोग हैं सबकी जानकारी ली जा रही है, नंबर मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं घरों पर जा रहे हैं जहां पर पहले से संदेह है, या हर घर में ये तलाशी अभियान हो रहा है? देखिए, जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं सिक्योरिटी के या फिर जो एयरपोर्ट हैं या फिर इससे संवेदनशील इलाके हैं उसके इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियां हैं, जब से ड्रोन हमला हुआ है तो एक प्रैक्टिस शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में इन इलाकों में जा जाकर जो है नोट करना कि अगर यहाँ कोई ज्ञात व्यक्ति तो नहीं रहता है, अगर कोई किराएदार है तो उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या, ताकि अगर कुछ इन इलाकों में होता है तो वक्त चलते उस पर हाथ डाला जा सके, वो उसको पकड़ा जा सके। इस यही प्रक्रिया जो है जम्मू के इर्द गिर्द एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन के इर्द गिर्द खुद भी देखने मिली है, जम्मू एयरपोर्ट को श्रीनगर के इर्द गिर्द जो एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप्स है, खासकर नियंत्रण रेखा की अगर हम कश्मीर की बात करें तो इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियां हैं जो वहां पर जो हिंटरलैंड है जहां से बस्तियां शुरू होती है वहां पर ये प्रक्रिया सेना कर रही है। ये एक रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहती है कि अगर कुछ अप्रिय घटना इन इलाकों में होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव एरियाज है, तो इन जगहों पर सबका रिकॉर्ड जो है एकदम हैंड में रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।